हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एक छोटा सा मैक्रो क्रिएट करते हैं। देखिए, मैक्रो क्रिएट करना अगर आपको आता है तो जब आप सॉफ्टवेयर क्रिएट करेंगे तो उस समय आपको हेल्प मिलेगी काफ़ी ज़्यादा। तो आई होप कि आप मैक्रो क्रिएट करना जानते हो। अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैक्रो को कैसे क्रिएट करना है। ओके, तो फर्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। फर्स्ट यू हैव टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। आप देख सकते हैं मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन कर लिया है और यहाँ पर पहले से हमारे पास टेबल्स और जो भी हमारे फॉर्म्स हैं वो बने हुए हैं। तो अभी हमें मैक्रो क्रिएट करने के लिए कहाँ जाना चाहिए, तो क्रिएट पे जाना है। ये जो क्रिएट दिख रहा है ना, यहीं पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू ओपन होगा इस तरीके से और यहाँ पर आपको मिलता है मैक्रो। तो बस आपको कुछ नहीं करना, इसी मैक्रो पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एक नई विंडो ओपन होती है। यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये ड्रॉप डाउन नज़र आएगी और इस ड्रॉप डाउन पर आप चले जाइए। और जैसे ही आप ड्रॉप डाउन पर जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी यहाँ पर, ठीक है। तो फिलहाल हम फॉर्म को ओपन करने के लिए एक मैक्रो क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें फॉर्म के पास जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ओपन रिपोर्ट दिया है, ओपन टेबल दिया है। अगर टेबल ओपन करना है तो टेबल को ओपन करने के लिए बना सकते हैं। फिलहाल हम चाहते हैं फॉर्म को ओपन करना, तो ये फॉर्म को ओपन करने के लिए हमने एक मैक्रो बना दिया। लेकिन अभी हमें इस मैक्रो को नाम देना है। यहाँ पर देखेंगे तो ये नाम आप नहीं देंगे और डायरेक्टली रन करेंगे तो ये रन नहीं होगा, कहेगा कि आप इसको पहले नाम दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करिए तो देखिए ये क्या कह रहा है कि पहले इसको नाम दीजिए आप। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को ये गलत फहमी हो जाती है कि यहाँ हमें खुद से नाम देना, नहीं, आपने जो ये फॉर्म बनाया या जो आपने ये टेबल बनाया, इन्हीं टेबल्स या फॉर्म में से किसी एक का नाम आपको चूज करना है। यहाँ पर आपको ड्रॉपडाउन भी दिखाई पड़ेगी, ये दिख रहा है ड्रॉपडाउन, तो बस इसी ड्रॉपडाउन पर चले जाइए, सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। तो अगर आप ग्रोसरी का फॉर्म देखना चाहते हैं तो ग्रोसरी के फॉर्म पर जा सकते हैं। ये चले गए, अब यहाँ से सिंपल वे में रन करवाइए, यहाँ से ओके कीजिए, ये हो गया काम आपका। और जैसे ही ये रन करवाया हमने तो आप देख सकते हैं वही फॉर्म ओपन हुआ है ग्रोसरी वाला, ठीक है। यहाँ से आप जा सकते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट दिखाई पड़ेगा, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर नेक्स्ट दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैक्रो आप बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कोई दूसरा मैक्रो बनाना है, जैसे मान लीजिए तो ग्रोसरी फॉर्म के लिए हमने मैक्रो क्रिएट कर लिया, तो यहाँ से चलते हैं दूसरा मैक्रो डिज़ाइन करते हैं। तो फिर आ गए मैक्रो पर और इस बार वापस से वही चीज़ ओपन फॉर्म करने के लिए हम लेंगे। तो यहाँ से चल करके ओपन फॉर्म, ये देखिए ये दिया हुआ है ओपन फॉर्म, ठीक है। और फिर यहाँ से चेंज कीजिए, इस बार ग्रोसरी के लिए नहीं, कस्टमर के लिए बना रहे हैं। तो ये कस्टमर कर लिया हमने और यहाँ से रन पे क्लिक कीजिए, यहाँ से यस कीजिए और यहाँ से मैक्रो टू के नाम से इसको सेव कर दिया। तो ये देखिए ये कस्टमर का पूरा डिटेल वाला जो फॉर्म बनाया था हमने वो खोल करके आया है, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए तीसरा मैक्रो डिज़ाइन करना है तो वापिस से क्रिएट पर जाइए और यू हैव टू क्लिक ऑन मैक्रो। आफ्टर क्लिकिंग ऑन मैक्रो यू हैव टू टेक वन थिंग, लाइक यू हैव टू क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन ओके एंड चूज लाइक ओपन फॉर्म। ओपन फॉर्म ये आपको चूज करना है, ठीक है। जैसे चूज करेंगे तो यहाँ ड्रॉपडाउन नजर आएगा, ड्रॉपडाउन पे जाइएगा। इस बार हमें मेडिसिन के लिए बनाना है तो ये मेडिसिन के लिए बना लिया, इसको रन करवा दीजिए, सेव कर लीजिए। मैक्रो 3 के नाम से सेव कर लेता हूँ, कोई और ना भी दे सकते हैं, इट इज डिपेंड अपॉन यू। तो ये तीन तीन मैक्रोज हमने क्रिएट किए हैं, देख सकते हैं तीन तीन मैक्रोज हमने क्रिएट किए हैं। ये मैक्रो इसी तरीके से क्रिएट किया जाएगा, आप चाहे तो मैक्रो के लिए बटन भी बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आई होगी, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है कि जैसे ही हम यहां पे जाएंगे, ये देखिए ये यहां पे दिख रहा है, ठीक है, ये यहां पे जो मैक्रो हमने क्रिएट किया वो वही मैक्रो है जो हमने क्रिएट किया है, ठीक है। तो ये मैक्रो इसका काम क्या है, जैसे मान लीजिए ये ओपन हो गया, ठीक है, और यहां पर आएंगे, जैसे इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको यही फॉर्म मिल जाता है। तो जब आप एक बड़ा सॉफ्टवेयर डिजाइन करेंगे तब जो है ये काफी ज्यादा आपके लिए यूजफुल हो जाता है। तो मैक्रो डिजाइन करना, उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा कि कैसे डिजाइन किया जाए, ठीक है।